डिप्रेशन के शिकार होना ये आम बात होती जा रही है आज के संसार के अंदर। और ऐसे समय में नेचुरल है कि वो अकेलापन कहीं ना कहीं अंदर में व्यक्ति को खाता है। भले व्यक्ति के पास हॉबीज है, वो हॉबीज में भी अपने आप को जोड़ता है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां बाहर निकल नहीं सकता है, घर में ही बैठे रहना है, घर में ही रह करके बस सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड रहना है, तो व्यक्ति के पास कोई भी सोर्स नहीं है। भावार्थ ये है कि शुरू से ही हम अपने आप को इतना मन को समझा दे कि ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता अंदर से ऊर्जा प्रदान करेगी। आत्मा को जो शक्ति चाहिए, ज्ञान वो भोजन है, जिस तरह शरीर को भोजन की आवश्यकता है, ठीक इसी तरह ज्ञान एक ऐसा भोजन है मन के लिए कि जब ये भोजन उसको प्राप्त होता है तो धीरे धीरे भले इतना हजम न भी कर पाओ, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर ये कुछ ना कुछ काम जरूर करता है। कॉन्शियस लेवल में आपको बोरिंग महसूस होगा, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर ये कुछ काम करता है। इसीलिए आरंभ में भले हमें अच्छा न लगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है इसलिए छोड़ नहीं दो, जरूर उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आखिर मन उस बात को स्वीकार कर लेगा कि नहीं, ये भी जीवन का एक हिस्सा है जो हमें कहीं ना कहीं अंदर से वो शक्ति प्रदान करता है। और इसीलिए देखा गया कि जब व्यक्ति इस तरह से स्पिरिचुअली इंक्लाइन होता है, रिलीजियस नहीं कह रही हूं, स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने लगता है और वो ज्ञान का स्रोत उसको प्राप्त होने लगता है, पॉजिटिव बातों का स्रोत उसको मिलने लगता है, सबकॉन्शियस लेवल पर वो कुछ ना कुछ काम जरूर करता है जो हमें आज महसूस नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में महसूस जरूर होगा कि ये जो नेगेटिव माहौल है, नेगेटिव वातावरण है, नेगेटिव बातें हैं, वो हमारे मन को कम प्रभावित करती है, क्योंकि कुछ न कुछ आध्यात्मिक रीति से हम अपने आप को समझाना शुरू करता है, या वो विचार अपने आप सबकॉन्शियस लेवल से ही उभरने लगते हैं। तो माना जो बातें गई है सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ काम करती है, तभी वो अंदर से उभरती है। कॉन्शियस लेवल पर भी वो विचार आने लगते हैं, पॉजिटिव विचार आने लगते हैं और बहुत अच्छा महसूस कराती है। भावनात्मक रीति से भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा भी इम्बैलेंस अगर हुआ भी तो उसको बैलेंस करने में कुछ मदद भी करती है। तो कुछ समय पूर्व से ही हमें अपने आप को इस पॉजिटिव स्रोत से अपने आप को जोड़ना होगा।